अस्सलाम वालेकुम। कक्षा 5 के लिए तीसरा पाठ का हम अध्ययन करें बच्चों। तीसरा पाठ क्या था? मस्ती की पाठशाला है ना, कानन वन स्कूल है। वहाँ पर सभी बच्चे स्कूल जाते थे, फिर सभी में प्रतियोगिता हुई और सब ने बहिष्कार किया और वो प्रकृति से सीखने लगे। इस तरह से पाठ था आपका। उसके बाद हमने शब्दार्थ देखे। ये थे शब्दार्थ आपके, ये है आपके शब्दार्थ। आपको क्लास वर्क में लिखने के लिए कहा गया है। इसके बाद सही विकल्प चुनना, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ पर हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल था? कहाँ था? सुंदरवन में, नंदनवन में, काननवन में या मधुवन में? तो कहाँ था? सुंदरवन, काननवन में। किधर था हंसी खुशी का माहौल? काननवन। दूसरा है, किसके डर से सभी हंसना गाना भूल गए? शेर के, परीक्षा के, माता पिता के या भालू के? तो परीक्षा के डर से सब हंसना गाना भी भूल गए थे कि प्रतियोगिता क्या होगी। परीक्षा का बहिष्कार सबसे पहले किसने किया? मधुमक्खी ने, चूहे ने, बंदर ने, हाथी ने? तो किसने किया? मधुमक्खी ने किया सबसे पहले। फिर हमने किसने कहा, किससे कहा, ये भी देखा, भालू ने, है ना, ये भी बीट हो गई। आज हम प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। देखिए तीसरी बीट, आपको प्रश्नोत्तर आपके नोटबुक में लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर दिस क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, कानन वन के आसपास के वनवासी हैरान क्यों थे? प्रश्न फिर से एक बार सुनिए, कानन वन के आसपास के वनवासी हैरान क्यों थे? कानन वन में, उत्तर है इसका, कानन वन में हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल देखकर आसपास के वनवासी हैरान थे। किस लिए हैरान थे? क्योंकि वहाँ वन में जो है सभी कैसे थे, हंसी खुशी, स्कूल भी जाते थे तो हंसी खुशी और शरारत, धमा चौकड़ी का अर्थ है धमा चौकड़ी करते हुए, शरारत करते हुए वो स्कूल जाते थे, इसीलिए वहाँ के सब वनवासी हैरान थे। कानन वन में हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल देखकर आसपास के वनवासी हैरान थे। ये है पहला उत्तर। दूसरा है, मस्ती की पाठशाला डर की पाठशाला कैसे बन गई? यानी मस्ती की पाठशाला डर की पाठशाला कैसे बन गई? उत्तर है इसका, परीक्षा का नाम सुनकर मस्ती की पाठशाला डर की पाठशाला बन गई। परीक्षा का नाम सुनकर, दूसरा उत्तर, परीक्षा का नाम सुनकर मस्ती की पाठशाला डर की पाठशाला बन गई। तीसरा है, परीक्षा में भालू ने पशु पक्षियों को क्या क्या करने के लिए कहा? परीक्षा में भालू ने पशु पक्षियों को क्या क्या करने के लिए कहा? क्या क्या? एक प्रतियोगिता हुई, उसमें तीन खेल दिए गए। कौन कौन से थे पशु पक्षियों में? सॉरी, परीक्षा में भालू ने पशु पक्षियों को कई कार्य करने के लिए कहा। कई सारे परीक्षा में कार्य करने के लिए कहा, ऐसे थे तीन कार्य। कौन कौन से थे? जैसे पहला है, दीवार और पेड़ पर चढ़ना, ये पहला कार्य था। दूसरा था, 100 तक गिनती पूरी होने से पहले मैदान के चार चक्कर लगाना। 100 तक गिनती पूरी होने से पहले मैदान के चार चक्कर लगाना। तीसरा है, और मैदान से बड़ा पत्थर हटाने के लिए कहा। यानी तीन है, कौन कौन से है? दीवार और पेड़ पर चढ़ना, 100 तक गिनती पूरी होने से पहले मैदान के चार चक्कर लगाना, और तीसरा है मैदान से एक बड़ा सा पत्थर हटाने के लिए कहा। ये तीन कार्य करने के लिए कहा गया। ये है तीसरा उत्तर। परीक्षा का परिणाम क्या हुआ? परीक्षा का परिणाम क्या हुआ, यानी रिजल्ट क्या हुआ? तो क्या हुआ परीक्षा का परिणाम? सबने परीक्षा पास की? नहीं। परीक्षा का परिणाम ये हुआ कि सभी ने परीक्षा का क्या किया? विरोध कर दिया। क्या किया? विरोध कर दिया, और कानन वन का स्कूल बंद हो गया। परीक्षा का परिणाम ये हुआ कि सभी ने परीक्षा का विरोध कर दिया और कानन वन का स्कूल बंद हो गया। सबने परीक्षा का बहिष्कार क्यों किया, यानी बॉयकॉट क्यों किया? सबने परीक्षा का बहिष्कार क्यों किया?
तो उत्तर है परीक्षा में गैर बराबरी की भावना, परीक्षा में गैर बराबरी की भावना विकसित होने के कारण सबने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। परीक्षा में गैर बराबरी की भावना विकसित होने के कारण सबने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। ये है आपके पांचवा उत्तर। इस तरह से आपको पांच उत्तर लिखना है प्रश्नोत्तर। पहले पेंसिल से आप पुस्तक में लिखिए, उसके बाद हिंदी की क्लास वर्क में नीट हैंड राइटिंग के साथ आपको ये प्रश्नोत्तर लिखना है। देखिए एक बार, फिर से एक बार, प्रश्नोत्तर आपको अलग से नहीं भेजा जाएगा, आपको यही लिखना है देखकर, ठीक है। कुछ देर के लिए रख रही हूँ। देखिए ये पांच प्रश्नोत्तर आपको लिखना है। देखो तीसरा है, परीक्षा ने भालू ने पशु पक्षियों को कई कार्य करने के लिए कहा। पहला है दीवार और पेड़ पर चढ़ना, सौ तक गिनती पूरी होने से पहले मैदान के चार चक्कर लगाना और मैदान से बड़ा पत्थर हटाने के लिए कहा। परीक्षा का परिणाम क्या हुआ? परीक्षा का परिणाम ये हुआ कि सभी ने परीक्षा का बहिष्कार विरोध कर दिया और कानन का स्कूल बंद हो गया। सब ने परीक्षा का बहिष्कार क्यों किया? परीक्षा में गैर बराबरी की भावना विकसित होने के कारण सब ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। ये आपके प्रश्नोत्तर है। आपको ये हिंदी क्लास वर्क में वन टाइम लिखना है, क्लास वर्क में लिखना है, ठीक है, लिख लीजिए। इस तरह से ये तो हो गया आपका, ये भी हो गया, और ये मैच करना है यानी रेखा खींचकर आपको मिलाना था। आपने ये भी पूरा कर दिए बच्चों, और उसके बाद हमने पाठ से आगे यहाँ पर मैच करना। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ पर लैब है, यहाँ पर कंप्यूटर रूम है, ये सिटिंग रूम है, ये ग्राउंड है, ये प्रार्थना रूम है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, उसे हमें मैच करना है। कक्षा कहाँ है? कोसा है चित्र, देखिए कक्षा का, यहाँ देखिए बोर्ड है, बेंचेस है, तो ये कक्षा है, तो इसको यहाँ से यहाँ मार्क कीजिए, कक्षा। हो गया फर्स्ट वन। दूसरा, खेल का मैदान, खेल का मैदान कहाँ है? ये है या ये है, ये है, ये है, तो कौन सा? ये है खेल का मैदान। तो सेकेंड वन, खेल का मैदान। प्रयोगशाला यानी लैब, लैबोरेटरी को कहते हैं प्रयोगशाला, कहाँ है? यहाँ पर है, देखिए लैब, तो यहाँ पर एक लाइन मारी है पेंसिल से। प्रार्थना कक्ष यानी प्रेयर रूम, ये है प्रार्थना कक्ष, यहाँ से यहाँ पर लाइन मारी है प्रार्थना कक्ष को। कंप्यूटर कक्ष कौन सा है? ये है कंप्यूटर कक्ष। अध्यापक कक्ष यानी स्टाफ रूम, ये है, देखिए सीधा इस तरह से आपको लाइन मारना है। देखिए अच्छे से एक बार इस तरह से लाइन मार लीजिए। आज आपका पार्ट पूरा हो गया, अगली बार हम दूसरा पार्ट लेंगे, और आपको ये नोट्स में भी कंप्लीट करना है। तो पहले मीनिंग्स लिखना, डैशेस लिखना है, फिर प्रश्नोत्तर लिखना है। ये तीन इस पार्ट से संबंधित कार्य है जो कि हमने आपको दिया है, आपको करना ज़रूरी है। पहला है मीनिंग्स, ये करना है आपको क्लास वर्क में। किसने कहा, किससे कहा, ये भी क्लास वर्क में करना है बच्चों। देखिए टेक्स्ट बुक संगे ना, ये कंप्लीट करें ना, ऑलरेडी हम दे चुके हैं आपको। ये सेकंड बिट लिखिए, उसके बाद ये प्रश्नोत्तर लिखिए पूरे, अभी रीड करके बताएं, आपको करना है, अलग से नोट्स नहीं भेजी जाएगी, ठीक है। प्रश्नोत्तर बस इतना ही नोटबुक में लिखिए, टेक्स्ट बुक में बाकी के सब कार्य जो है टेक्स्ट बुक में ही होना चाहिए आपके। ये सब ये हो चुके हैं, ठीक है। तो आज आपका पार्ट हो गया है तीसरा, चौथा पार्ट हम अगली कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।